हेलो व्हाट्सअप गाइस, वेलकम टू माय चैनल। तो गाइस आज हम करने वाले हैं बात होगा लाला क्या बोल रहा हूँ, इनविजिबल एंटिटी की, जो स्मार्टीफाई के वर्ल्ड में आया हुआ है, तो उसकी बात आज हम करेंगे। तो अभी तक जिसने ये चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, जल्दी से आकर चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा और बेल आइकन को प्रेस करना मत भूलिएगा। चलते हैं वीडियो की तरफ को। तो गाइस चलते हैं जल्दी से। तो गाइस आपको पता होगा स्मार्टीफाई के सीजन 3 वाले वर्ल्ड में उनने होगा लाला और डार्क एंटिटी को तो कैप्चर कर दिया था, लेकिन वो हूला लाला को भूल चुके थे और उनके सारे दोस्त भी भूल गए थे कि हूला लाला अभी बचा है। तो मुझे तो यह लगता है कि वो हूला लाला को, मतलब हूला लाला उनसे बदला लेने आया है, क्योंकि आपने स्मार्टीफाई की वीडियो में यही देखा होगा कि अब वो इनविजिबल एंटिटी विजर्ड को मतलब मारने लगता है, प्रेजेंट से निकाल के फिर उन्हें दूसरी प्रेजेंट में डाल देता है, क्योंकि विजर्ड ने स्मार्टीफाई का बहुत साथ दिया था उसे कैप्चर करने में। तो गाइस चलते हैं, मतलब एक और बात रहती है अभी कि वो इनविजिबल एंटिटी जो था वो उनकी, मतलब क्या बोलते हैं, स्मार्टीफाई की और ड्रीम बॉय की वीडियो में आके उन्हें भी मारा करता है, लेकिन एसजीयू को वो नहीं मारता है, मुझे पता नहीं क्यों। और यही बात है कि मुझे तो यही लगता है कि वो क्या बोलते हैं इनविजिबल एंटिटी जो है वो हूला लाला है। और रही बात उसकी क्या बोलते हैं जो उसने हूला लाला के क्लोन को मारा था इनविजिबल एंटिटी ने, मुझे तो लगता है कि वो कि जो ये पावर दी है उसने, क्या बोलते हैं उसको जो पावर मिली है ये अंधा करने वाली और इनविजिबल होने वाली, मुझे तो यह लगता है कि उसको उनको ये पावर उसने दी है, उनने ही दी है। मतलब डार्क एंटिटी है, जब वो इनविजिबल मतलब उधर पे डार्क हिमलैंड से रहा यहाँ पर देख सकते हैं और इतनी पावर दे सकते हैं, तो जेल में प्रिजन में बंद होके क्यों नहीं दे सकते हैं। तो गाइस मुझे तो यही लगता है। और किंग ओडिन भी इसके पीछे हो सकता है, क्योंकि किंग ओडिन का खुलासा अभी तक नहीं हुआ है, मुझे लगता है जल्दी होगा, क्योंकि वो बहुत बड़ा रहस्य बन के बैठा है अभी तक के हेमलैंड्स में। तो गाइस मुझे तो यही लगता है कि किंग ओडिन भी हो सकता है और डार्क एंटिटी भी हो सकता है। तो गाइस आज की वाली वीडियो में इतना ही था, अगर आपकी वाली वीडियो अच्छी लगी हो तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दीजिएगा और बेल आइकन को प्रेस करना मत भूलिएगा। आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो थोड़ी बहुत अपने दोस्तों से भी बोल दीजिएगा कि सब्सक्राइब करें। तो गाइस बाय बाय।